गरीब सुषमा 4 महीने की गर्भवती थी और अपने कमरे में बैठकर इमली खा रही थी। हाँ, अगर ये मिली नहीं होती तो इसके बिना मैं कैसे रहती। बहुत मजा आ रहा है, ये कितना चटाकेदार है। तभी उसे आवाज लगाती हुई उसकी सास कल्पना कमरे में आती है। अरे बहू, मना किया था ना तुझे कि खट्टी चीजें इतनी मत खाया कर, फिर भी तुझे सुननी तो होती ही नहीं है। अरे कुछ हो गया तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि तेरा इलाज करा दूं। गौरव वैसे ही बिस्तर पर बीमार पड़ा है। अरे माँ जी, मैं क्या करूं, मेरा ना खटाई खाने का बहुत मन करता है, मुझसे रहा नहीं जाता। लेकिन आप चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। तू ऐसे नहीं मानेगी, तेरा ये इमली का डिब्बा ही गायब करना पड़ेगा। अरे माँ जी, मेरे ऊपर इतना जुल्म भी मत कीजिए। अच्छा माँ जी, मैं सोच रही थी घर चलाने के लिए कुछ काम कर लूं, मतलब कुछ बैठकर बेच लूं, जिसे बच्चे को कोई तकलीफ भी नहीं होगी। मैं कर लूंगी सब, तू इसकी टेंशन मत ले। फिलहाल ये इमली का डिब्बा वापस कर। सब जानती हूँ इमली खाने के लिए बातों में उलझा रही है। अच्छा ठीक है माँ जी, मेरे एक सवाल का जवाब तो दीजिए। बताइए, जो गर्भवती औरतें होती हैं, वो इतना खट्टा क्यों खाती हैं? क्योंकि इस समय सभी औरतों का खट्टा खाने का जी ललचाता है। माँ जी, आपका आंसर सही नहीं है। अच्छा, तो तू बता दे। वो इसीलिए खट्टा खाती हैं ताकि उनका बच्चा कहीं मीठा ना निकल जाए। अच्छा, अभी बताती हूँ तुझे मीठी की बच्ची। सॉरी 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 माँ जी, मैं तो मजाक कर रही थी, आपका वाला आंसर ही सही था। तभी कल्पना सुषमा से इमली का डिब्बा छीनकर ले जाती है और उसे खाना लाकर देती है। 2-4 दिन हो जाते हैं, सुषमा का खट्टा खाने का मन करता है और सास उसे देती नहीं थी। माँ जी प्लीज, मुझे इमली खाने दीजिए ना। नहीं, चुपचाप ये पालक की सब्जी और घी की रोटी खा, बच्चे के लिए फायदा करेगी। मैं रोटी बनाने जा रही हूँ, जब तक ये खत्म हो जाना चाहिए। ये कहकर सुषमा अपना खाना देकर बाहर चली जाती है। ऐसा करती हूँ, जब तक माँ जी आती है मैं ये खाना चिड़ियों को खिला देती हूँ। इमली तो आज खा कर ही रहूंगी, इमली का नाम लेते ही जीभ लपलपा रही है मेरी। ये कहकर वो खाना चिड़िया को डालने जाती है कि इतने में उसके दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आकर कहती है, बेटा क्या मुझे थोड़ा सा खाना खाने को मिल जाएगा? बेटा मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया। अरे हाँ हाँ माँ जी, प्लीज आप ये खाना खा लीजिए। अभी ये खाना मैं चिड़िया को दे रही थी, मैं उसे और दे दूंगी, आप ये खा लीजिए जल्दी से। शुक्रिया बेटा। ये बोलकर बुढ़िया उसकी थाली का सारा खाना खा लेती है और कहती है, अरे वाह बिटिया, ये खाना तो बहुत अच्छा है, भगवान तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करे। बेटा तुमने एक भूखे को खाना खिलाया है, इसीलिए मेरे पास यही है तुम्हें देने के लिए। ये लो, ये एक खास बीज है, तुम जो भी सोच कर इस बीज को उगाओगी वही तुम्हारे आंगन में उपजेगा, ये लो बेटा। ये कहते ही बुढ़िया चली जाती है और सुषमा अपने आंगन में इस बीज को बो देती है और पानी डाल देती है। रोज उस बोए हुए पौधे को घूरती है और कहती है, आखिर उन बूढ़ी माँ जी ने मुझे ऐसा क्यों कहा कि ये बीज बहुत खास है, ऐसा क्या है इसमें, ये जानने के लिए बेतहाशा उत्सुक हूँ मैं। अरे बहू, तू रोज रोज इस पौधे के पास आकर क्यों खड़ी हो जाती है? ऐसे ही माँ जी, बस देख रही थी कि इसमें से क्या उगेगा। 5 दिन बाद ही वो पौधा अचानक से इमली का एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, जिसे देखकर सुषमा और कल्पना हैरान हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, उस वक्त सुषमा के दिमाग में इमली के बारे में चल रहा था, इसलिए उस बुढ़िया के दिए हुए बीज से वो एक जादुई इमली का पेड़ बन जाता है। पर सुषमा इस बात से अनजान थी। आगे क्या होगा जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। माँ जी, कल तक तो ये पौधा था, आज इतना लंबा चौड़ा पेड़ कैसे बन गया, और इस पर तो इमली आ रही है। अब तो आप मुझे बिल्कुल मना नहीं कर सकती हैं इमली खाने से।
अगर मुझे पता होता कि तू इतनी रखवाली इमली के पेड़ के लिए कर रही है तो मैं ऐसा कभी होने नहीं देती। पर तू इतनी सारी इमली खा नहीं पाएगी तो करेगी क्या? माँ जी आइडिया, आपको तो पता ही है कि मैं काम के लिए सोच रही थी, और हम गरीब हैं तो क्यों ना इन इमलियों को ही बेच देते हैं, जिससे हमारे घर में 4 पैसे भी आएंगे और उनके इलाज का पैसा भी इकट्ठा हो जाएगा। हाँ बहू, ये तूने ठीक कहा। तभी सुषमा इमली तोड़कर खाते हुए कहती है, हाँ माँ जी चटपटी इमली खट्टी है। पता नहीं लेकिन कि उन बुढ़िया माँ ने मुझसे ये क्यों कहा था कि ये बहुत खास बीज है। अगर ऐसा होता तो ये इमली हमें बहुत सारे नोटों की गड्डी दे देगी क्या? सुषमा के ये कहते ही वो इमली का पेड़ों से बहुत सारे नोटों की गड्डी दे देता है, जिसे देखकर सास और बहू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हाँ, वो ये क्या हो रहा है? इमली के पेड़ में तो हमें सच में नोटों की बहुत सारी गड्डी दे दी तेरे कहते ही। अरे हाँ माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरे कहते ही इसने नोटों की गड्डी दे दी। कहीं सच में ये इमली का पेड़ जादुई तो नहीं है? अगर ऐसा है तो तू एक बार आजमा कर और देख। हे इमली के पेड़, अगर तुम सच में ही जादुई हो तो मुझे 56 भोग की थाल देना जरा। सुषमा के ये कहते ही उस जादुई इमली के पेड़ से 56 भोग की थाली निकलती है। दोनों सास बहू खुशी से उछलने लगती हैं। अरे वाह बहू वाह, हमारी तो लॉटरी लग गई। अब तो मेरा बेटा भी ठीक हो जाएगा और हॉस्पिटल में तेरी डिलीवरी भी। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। माँ जी कोई देख ले, उससे पहले हम ये सारी चीजें अंदर ले जाते हैं। हाँ बहू। तभी दो सास बहू वो 56 भोग और पैसों की गड्डी लेकर अंदर आ जाते हैं और अपने बेटे गौरव को सब कुछ बता देते हैं। अगले दिन ही गौरव का इन पैसों से इलाज कराते हैं। साथ ही साथ सास बहू उस पेड़ की इमलियों को बेचकर पैसे भी कमाते थे, जिनसे वो अपने जैसे गरीब लोगों को मंदिर में खाना खिलाया करते थे। तभी एक गर्भवती औरत के पेट में बहुत दर्द हो रहा था तो सुषमा उसे देखकर कहती है, क्या तुम्हारे पेट में ज्यादा दर्द हो रहा है? आह, कल से बहुत कमजोरी हो रही है और उल्टी भी हो गई, वही दर्द भी है। ऐसा करो, ये इमली खाकर देखो, एक बार क्या पता तुम्हारा दर्द ठीक हो जाए। इमली से कैसे ठीक हो सकता है, ये दवाई थोड़े ही है। पर ये जादू इमली है, क्या पता तुम ठीक हो जाओ। क्या तुमने कुछ कहा? लो इमली खाओ। तभी मीना उससे लेकर इमली खाती है, जिसके बाद वो बिल्कुल ठीक महसूस करती है। अरे वाह, इस इमली को खाकर तो मेरा दर्द तुरंत गायब हो गया और मैं तंदुरुस्त महसूस कर रही हूँ। ऐसा क्या था इस इमली में? बस ये समझ लो, ये तुम्हारी दवाई थी। अगर तुम्हें फिर ऐसा महसूस हो तो ये इमली अच्छे से खा लेना, तुम्हें ताकत मिलेगी। मैं भी यही खाती हूँ। सुषमा उसे इमलियां देकर आगे चलती है। यदि उसे अपनी जैसी प्रेग्नेंट औरतें, ये दुखी औरतें दिखती तो वो उन्हें इमली दे दिया करती खाने के लिए। कुछ ही महीनों में गौरव का इलाज अच्छे से हो जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। साथ ही सुषमा के प्यारा सा बेटा पैदा होता है। तीनों अपने बच्चे को बहुत प्यार से पालते हैं। लेकिन एक दिन शिबू चुप नहीं हो रहा था। तभी सुषमा बोली, माँ जी देखिए ना, ये इतनी देर से चुप नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? सुषमा, तुम अपने जादुई पेड़ से शिबू के लिए पालना मांगो, क्या पता उसमें झूल कर ये चुप हो जाए। आपने सही कहा, हे जादू इमली के पेड़, मुझे एक पालना प्रदान करें। ये कहते ही इमली के पेड़ से एक सोने का पालना निकलता है, जिसमें वो अपने बच्चे को झुलाकर चुप करा देती है। अरे बहू, जरा देख तो, कितना खुश होकर झूल रहा है हमारा बेटा। लगता है इसे पालना पसंद आ गया। हाँ माँ जी, गौरव जी अब तो आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना कारोबार खुद संभाले। हमें जादुई पेड़ पर निर्भर नहीं होना चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। कुछ ही हफ्तों में गौरव इमली बेचने के पैसों से अपना कपड़े का कारखाना खोल लेता है, जिससे वो कपड़े बनाकर बेचा करता था। तब से सास बहू ने इमली के जादुई पेड़ को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना बंद कर दिया। साथ ही कोई गरीब अगर उनके घर आता तो वो जादुई पेड़ के इस्तेमाल से उन गरीब लोगों का भला कर दिया करते थे। इस तरह सब खुशी खुशी रहने लग गए।
दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर अच्छी चीज हमें मिल जाती है तो हमें उसका ज्यादा फायदा नहीं उठाना चाहिए, जितना हमें मिलता है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। गरीब सास बहू की जादुई दुर्गा माँ की मूर्ति। एक छोटे से गांव में शकुंतला नाम की औरत अपनी बहू लीला और अपने बेटे के साथ रहती थी। वो लोग बहुत गरीब थे। शकुंतला का बेटा विदेश में काम करता था, लेकिन वो साल में केवल एक बार अपनी माँ शकुंतला को फोन करता था। शकुंतला अपनी बहू लीला के साथ अकेली गांव में रहा करती थी। दोनों गरीबी से जूझ रही थी। एक दिन लीला अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, घर में राशन खत्म हो गया है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या बनाऊं? अरे बहू, कुछ तो पड़ा ही होगा। रसोई के सारे डिब्बे खाली पड़े हैं, कुछ भी नहीं है, खाने का एक दाना तक नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं अभी लालू प्रसाद की दुकान पर जाकर राशन ले आती हूँ। शकुंतला राशन लेने के लिए लालू प्रसाद की दुकान पर जाती है, जहाँ लालू प्रसाद उससे कहता है, अरे जब देखो यहाँ पर आ जाती हो, मैंने क्या तुम लोगों को उधार देने का ठेका ले रखा है? मैं किसी को कोई उधार नहीं सामान दूंगा। एक काम करो, जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो यहाँ से आना, वरना मुंह उठाकर यहाँ पर दोबारा आने की कोई जरूरत नहीं है। लालू प्रसाद शकुंतला को धक्के मारकर भगा देता है। बेचारी शकुंतला मायूस होकर जब वापस घर लौटती है तो उसकी शक्ल देखते ही लीला को सारी बात समझ आ जाती है। वो अपनी सास शकुंतला से कुछ नहीं कहती, जिसकी वजह से वो पूरा दिन इसी तरह गुजार देती है और रात को पानी पीकर ऐसे ही सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, लीला अपनी सास शकुंतला के पास आती है और कहती है, माँ जी, हम इस तरह घर में हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। मैं आज बाहर काम ढूंढने जा रही हूँ। माता की कृपा से अगर आज मुझे कुछ काम मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो हम कुछ अपना खुद का काम करेंगे। लेकिन बहू, तू बाहर काम करने कहाँ जाएगी? कहीं मत जा, मैं अभी अपने बेटे रंजीत को कॉल करती हूँ, वो हमें पैसे भिजवा देगा। माँ जी, आप किस वहम में जी रही हो? अगर रंजीत जी को आना होता तो वो पहले ही आ जाते। उन्हें गए हुए पूरे 6 साल हो गए हैं, उन्होंने 6 साल में 6 बार भी सही से फोन नहीं किया। शकुंतला अपनी बहू की बात सुनकर चुप हो जाती है, जिसके बाद लीला काम ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है। पूरे दिन यहाँ से वहाँ काम ढूंढने के बाद भी लीला को कोई अपने पास काम पर नहीं रखता। शाम के वक्त जब लीला वापस घर को लौट रही होती है तो उसे एक मूर्ति की दुकान पर बहुत बुजुर्ग आदमी दिखाई पड़ता है। उसकी दुकान पर बहुत भीड़ होती है। कई लोग तो उसे धोखा देकर उसका सामान लेकर जा रहे थे। ये सब लीला से देखा नहीं जाता और वो उस बूढ़े आदमी की दुकान पर जाकर उस बूढ़े आदमी से कहती है, अरे बाबा, आप तो बहुत कमजोर हो, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। एक काम करो, आप बैठ जाओ, मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। जो पैसा होगा मैं आपको पूरा हिसाब दे दूंगी। ऐसा कहकर वो उस बूढ़े आदमी की मदद करने लगती है, जिसके बाद वो सबसे पैसे लेती जाती है और उन्हें मूर्तियां बेचती जाती है। देखते ही देखते उसके पास कई सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। रात को जब वो अपने घर को लौटने वाली होती है तो जाने से पहले वो बुजुर्ग आदमी को पैसों का पूरा हिसाब दे देती है, जिसके बाद वो बुजुर्ग आदमी कहता है, अरे बेटा, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा मन भी बहुत साफ है। ये लो, आज तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें 5,000 रुपए दे रहा हूँ, और साथ ही ये दुर्गा माँ की मूर्ति ले जाओ। कल से दुर्गा माँ की पूजा करना, दुर्गा माँ तुम्हारी सभी परेशानियों को दूर कर देंगी। लीला दुर्गा माँ की मूर्ति लेकर अपने घर लौट आती है और अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है वो अपने मंदिर में दुर्गा माँ की मूर्ति रखकर उनकी अच्छे से पूजा करती है, जिसके बाद वो हाथ जोड़कर दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने खड़ी होती है और उनसे कहती है, हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है और हमसे ये आप किस जन्म का बदला ले रही हो? माता, हमारी परेशानियों को दूर करो, हमसे ये सब और बर्दाश्त नहीं होता। तभी मूर्ति के अंदर से एक रोशनी निकलती है। देखते ही देखते वो मूर्ति सोने की मूर्ति में बदल जाती है, जिसके बाद उस मूर्ति के अंदर से एक आवाज आती है, तुम बहुत भाग्यशाली हो, मैं कोई मामूली मूर्ति नहीं हूँ, मैं एक जादुई मूर्ति हूँ, तुम मुझसे जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी। मूर्ति के इतना कहने के बाद उस जादुई मूर्ति के अंदर से सोने के सिक्के निकलते हैं। ये सब देखकर लीला अचंभित रह जाती है। लेकिन तुम
जादुई मूर्ति कैसे बनी? लीला के ये कहने के बाद मूर्ति के अंदर से आवाज आती है। पहले मैं भी तुम्हारी तरह बहुत गरीब थी, जिसके बाद मैंने दुर्गा माँ की पूजा करना शुरू किया। दुर्गा माँ मेरी भक्ति को देखकर मुझसे बहुत प्रसन्न हुई, जिसके बाद उन्होंने मेरी सभी परेशानियों को दूर कर दिया और मुझे एक वरदान दिया। जब तुम अपनी जीवन मृत्यु पूरी कर लोगी, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी आत्मा मेरी एक मूर्ति में कैद हो जाएगी और फिर तुम मेरे सच्चे भक्तों की मदद करोगी। जिस दिन मेरे जीवन का आखिरी दिन था, उस दिन मैंने इस मूर्ति के भीतर प्रवेश ले लिया। जब मैं किसी सच्चे भक्त की मदद करूंगी तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी और मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ये सुनकर लीला को बहुत खुशी मिलती है, जिसके बाद लीला अपनी सास को जादुई सोने की मूर्ति के बारे में बताती है और उस सोने के सिक्कों को उठाकर उन्हें सुनार की दुकान पर ले जाकर बेच देती है, जिसके चलते उसे कई सारे पैसे मिल जाते हैं। लीला उन पैसों से अपने घर का राशन डलवाती है और जरूरत के सभी सामान ले आती है। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होने लगती है। एक दिन लीला अपनी सास शकुंतला से कहती है, माँ जी, मैं सोच रही थी क्यों ना हम अपना खुद का कोई काम शुरू कर दें। ये जादुई मूर्ति हमारी कब तक मदद करती रहेगी? आखिर इसे भी तो मुक्ति चाहिए। हाँ बहू, तुम सही कहती हो, अब हमें खुद का काम शुरू कर देना चाहिए। मैं तो कहती हूँ दुर्गा माँ की ही मूर्ति बेचने का काम शुरू कर देते हैं। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है, मैं माँ दुर्गा की मूर्तियाँ बेचा करूँगी। आज जो कुछ भी हूँ मैं दुर्गा माँ की वजह से ही हूँ। उस दिन के बाद से लीला दुर्गा माँ की पूजा करना शुरू कर देती है और उनकी आई हुई मूर्तियों को बेचती है। देखते ही देखते लीला और शकुंतला का मूर्ति बेचने का काम बहुत बढ़िया चलने लगता है। एक दिन उस जादुई सोने की मूर्ति के अंदर से आवाज आती है, देखो तुम्हारी अब सभी परेशानियाँ दूर हो गई हैं, इसलिए अब मुझे यहाँ से जाना होगा। मेरी इतनी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। जादुई सोने की मूर्ति वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद लीला और शकुंतला दोनों अपने कमाए हुए पैसों से एक सोने की दुर्गा माँ की मूर्ति लाकर अपने मंदिर में रखती हैं और दुर्गा माँ की अच्छे से सेवा करती हैं। अब उनके पास जीवन में सब कुछ खुशी खुशी चलने लगता है।